नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PhD क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, राज्य सेवा भूमि सुधार विभाग 2023 LRC अमीन लेटेस्ट न्यूज। कब है अमीन केस पर सुनवाई? मार्क्स के आधार पर ही होगी बहाली, BCECE ऑफिशियल नोटिस आउट, जानिए पूरी जानकारी। दोस्तों इस वीडियो में अभी बिहार LRC पर जो अपडेट निकल के आई है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आखिरकार केस का सुनवाई कब है, कब से BCECE के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया जा रहा है, कब से विज्ञापन शुरू हो रही है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए जो राज्य सेवा भूमि सुधार विभाग में जॉब करना चाहते हैं, वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और BCECE के तरफ से ऑफिशियल क्या नोटिस जारी किया गया है उसको भी डाउनलोड करके हम देख रहे हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अपडेट अभी बिहार LRC पर निकल के आई है। तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो आखिरकार केस का सुनवाई कब है, पहली हेयरिंग कब है। आपको भी पता है 6 जनवरी को केस हुआ था, केस फाइल 6 जनवरी को ही हो गया है जो कि 1 महीना प्लस हो गया। आपको भी आज पता है जो 10 फरवरी हो गई है, तो पहला आज का हेयरिंग दिया है 13 फरवरी को। देख लीजिए 13 फरवरी के कोर्ट में क्या होता है, उससे पहले हम लोग चलेंगे क्योंकि आपको भी पता है नियमावली में संशोधन किया गया है और इस बार मार्क्स के आधार पर बहाली नहीं होगी क्योंकि इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलिए हम पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और क्या अपडेट आया है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, देख लीजिए दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं BCECEboard.bihar.government.in। देख लीजिए जो कि हिंदी में लिखा है वो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद। आगे देख लीजिए जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, जितना भी इम्पोर्टेंट अभी दिया हुआ है देख लीजिए नोटिस, तो यह आप लोग के लिए नहीं दिया हुआ है। या बिहार अमीन 767 पोस्ट का आपको भी पता है, अभी DB चल रहा है उसके लिए दिया गया है। देख लीजिए पूरा पूरा दिया हुआ है उसी के बारे में, देख लीजिए 24 को नोटिस दिया गया है उसी के रिगार्डिंग। तो अभी कहीं अपडेट नहीं किया गया है बिहार LRC को लेके, क्योंकि LRC आपको भी पता है अब नहीं करेगा क्योंकि इसको दे दिया है BCECE, अब यह कंडक्ट करेगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि कहीं कुछ नहीं दिया और डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा कहा गया है जब तक कोर्ट में केस चलेगा तब तक हम विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। और कल ने परसों हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे जो इससे पहले जितना भी संविदा पर बहाल किया गया है मार्क्स के आधार पर वह काम नहीं कर रहा, उसको हटाया जा रहा है। और एक वीडियो बनाए थे जिसमें फर्जीवाड़ा के चलते जो डिप्लोमा का डिग्री लगाए हैं जिस विश्वविद्यालय से पास किए, कॉलेज से पास किए, वहाँ पर वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है बिहार सरकार की यही तो एगो खामी है, 2 साल काम करवा लेता है, जब पैसा देने का वारी आता है 6 महीना साल भर काम करवा के पैसा देने का वारी आता है तब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाता है। उसमें बहुत सारा स्टूडेंट फर्जीवाड़ा पकड़ाया गया है, तो उस पर जो है जॉब तो गया भी है, उसके बाद केस भी हुआ है और ऊपर से दंड के दंड भी लिया जाएगा, जुर्माना भी लिया जाएगा। इसलिए आप लोग से आग्रह करते हैं जो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वह एकत्र कर लीजिए, कॉलेज से ले आइए और कोई फर्जीवाड़ा करके आप नहीं आइएगा क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा, उसके बाद आप काम कीजिएगा पैसा भी नहीं मिलेगा और केस भी आप पर हो जाएगा। क्योंकि वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को हम लिंक दे दिए हैं, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा जो पूरे बिहार में कितना कर्मचारी को हटाया गया है। इसलिए बिहार LRC को 10,101 पोस्ट है मैं अभी फिलहाल है, उसमें 2000 और पोस्ट बढ़ने वाला है, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। और केस का पहला हेयरिंग डेट दिया है 13 फरवरी को, तो देख लीजिए 13 फरवरी के क्या हो पाता है, क्योंकि डायरेक्ट BCECE बोर्ड के द्वारा कहा गया है जब तक कोर्ट में केस चलेगा तब तक हम विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। और उस साइड से देख लीजिए अभी सभी स्टूडेंट को जो जिसको जॉब मिल गया है इससे पहले LRC में, तो सभी को अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड चल रहा है, तो जितना भी फर्जीवाड़ा पकड़ाया जा रहा है डायरेक्ट उसको हटाया जा रहा है। तो सभी जितना भी वैकेंसी खाली हो रही है सभी को आपको काउंट हो गया, 10,101 पोस्ट अभी है, तो इसमें 2000 और जुड़ने वाला है, तो वैकेंसी तो बढ़ने वाली है नंबर ऑफ वैकेंसी। और यहाँ पर होता क्या है अभी तक देखिए, टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा आपको भी पता है, क्योंकि जब तक कोर्ट में केस चलेगा तब तक यह विभाग आपको जारी नहीं करेगा, बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा विज्ञापन। तो देख लीजिए
इतना दिन इंतज़ार किए तो 2-3 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है आमतौर पर कोई भी केस में 1 महीना से पहले ही या महीना के अंदर में हेयरिंग शुरू हो जाती है। तो इसमें देख लीजिए 6 जनवरी को हम लोग केस किए थे और 6 जनवरी से 1 महीना प्लस हो गया है, क्योंकि आज 10 फरवरी हो गई है। तो देख लीजिए 13 फरवरी क्या होता है, जैसे ही कुछ अपडेट निकल के आती है तो फिर से हम आपको अपडेट कर देंगे। इस वीडियो बनाने के यही रीज़न है क्योंकि आप लोग के द्वारा बार बार कमेंट किया जा रहा था, सर इस पर क्या अपडेट निकल के आई है। तो अपडेट यही निकल के आ रही है क्योंकि जिसको भी अभी बिहार LRC में जॉब हुआ है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड चल रहा है, जो पकड़ाया जा रहा है उस पर केस फाइल हो रहा है और फर्जीवाड़ा में केस फाइल हो रहा है, ऊपर से दंड भी आपको जुर्माना भी किया जाएगा और जॉब का जॉब गया, समय भी गया। इसलिए ऐसा नहीं कीजिएगा और 13 फरवरी का हम लोग वेट कर लेते हैं। 13 फरवरी के बाद ही क्या अपडेट निकल के आएगी तो फिर से हम आपको नए वीडियो में नए सीरीज से बना के अपडेट कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही वीडियो पाने के लिए, और आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू।